इस वीडियो में बात करेंगे दलमिया भारत शुगर्स लिमिटेड के बारे में और इसका प्राइस अपडेट देखेंगे, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है, क्या टारगेट जोन हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। दलमिया भारत शुगर्स लिमिटेड में यहां पर जो है सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा था, लगातार इसी लेवल से यहाँ पर प्राइस ऊपर निकला है। प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है जब भी सपोर्ट जोन पर आता है, तो यहाँ पर प्राइस निकला और अगेन से यहाँ पर प्राइस जो है इसी सपोर्ट लेवल पर आया और यहाँ से जो है ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहा है। मतलब कि जैसा पहले हुआ है वैसा ही अभी सेम देखने को मिल रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 436 रुपीस का रेजिस्टेंस होगा। अभी जो रेट है 389 रुपीस का करंट रेट देखने को मिल रहा है और 436 रुपीस के यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकता है। पहला रेजिस्टेंस जोन होगा, टारगेट्स होगा 436 रुपीस का। देन अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट्स है ऑलमोस्ट 490 रुपीज़ का, सेकेंड टारगेट होने वाला है। अपने रिसेंट स्विंग हाई से ऑलमोस्ट 45% तक यहाँ पर प्राइस जो है नीचे आ चुका है। यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी ऑलमोस्ट 45%। इसका जो रिसेंट स्विंग हाई था ऑलमोस्ट 560 रुपीज़ का था, जहाँ से प्राइस यहाँ पर गिरावट हुई थी और अभी 389 रुपीज़ का प्राइस देखने को मिल रहा है। 436 रुपीज़ पहला टारगेट है और 490 रुपीज़ यहाँ पर इसका सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा। और सपोर्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 355 रुपीज़ का सपोर्ट है। दलमिया भारत शुगर्स लिमिटेड की अगर फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2019 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट यहाँ पर इसके प्रॉफिट में जो है ग्रोथ देखने को मिला है। 2019 में 18 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, 2020 में 19 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है और 2021 में 27 लाख का प्रॉफिट और 2022 में 30 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला इसका प्रॉफिट है। और इसके रेवेन्यूज़ में भी यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है दलमिया भारत शुगर्स लिमिटेड। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 3112 करोड़ की कंपनी है और रैंकिंग इसकी 607 नंबर पर रैंक करता है। पी रेशो 10.52 है और सेक्टर्स पी 47.15 है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.04% देखने को मिलता है कंपनी में। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो प्रोमोटर्स के पास 75% लगभग देखने को मिलता है और यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 1.15% है और रिटेल एंड अदर्स के पास 23.87% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके प्रोमोटर्स के पास 75% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 1%, तो ज़बरदस्त है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो कंपनी की यहाँ पर फंडामेंटल ज़बरदस्त है, शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर इसके फाइनेंशियल्स दोनों ही ज़बरदस्त है और यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट रेट भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि 45% तक ये शेयर प्राइस गिरा था और स्टिल अभी 32% तक डिस्काउंट रेट देखने को मिल रहा है। और जैसा कि इसका जो इसका स्विंग हाई था ऑलमोस्ट 565 रुपीज़ का देखने को मिला था और अभी 389 रुपीज़ का है, तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। सो गाइस, ये था स्मॉल सा दलमिया भारत शुगर्स लिमिटेड का अपडेट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।